सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं मेरा चैनल टेक्निकल ज्ञान में। और आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि WannaCry रैंसमवेयर जो वायरस है वो कैसे काम करता है, कैसे आपके कंप्यूटर्स को जो है ये इफेक्ट कर सकता है और फाइनली आप इस वायरस से कैसे बच सकते हो। तो दोस्तों WannaCry रैंसमवेयर वायरस के बारे में पूरी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को जो है आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों WannaCry रैंसमवेयर को 12th मई 2017 यानी कि इस महीने के 12 तारीख को ग्लोबली छोड़ दिया गया था और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऊपर चलने वाले कंप्यूटर्स को, चाहे वो डेस्कटॉप हो या फिर लैपटॉप हो, उसे जो है इफेक्ट कर रहा है। दोस्तों ये वायरस बेसिकली क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर के अंदर में आने के बाद जो है आपके फाइल्स को इनक्रिप्ट करके लॉक कर देता है। और दोस्तों यहाँ पे आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है आपको एक स्क्रीन देखने को मिलता है जहाँ पे लिखा गया है कि आपके फाइल्स को जो है यहाँ पे लॉक करके इनक्रिप्ट कर दिया गया है और अगर आपको आपके फाइल को वापस लेना है तो आपको जो है सर्टेन बिटकॉइंस एज ए रैंसम देना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइंस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि बिटकॉइंस जो है वो उतना आसान नहीं है बिटकॉइंस को ट्रैक करने के लिए। और दोस्तों नीचे की तरफ जो है आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको कैसे बिटकॉइंस खरीदना है और फिर जो है आपको ये बिटकॉइंस को कौन से एड्रेस के ऊपर में सेंड करना है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आप जो है ऐसे वायरस के हाथ से कैसे बच सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि ये वायरस जो है वो उन सारे कंप्यूटर्स को अपने शिकार किया है जो कि पुराने वर्षन विंडोज के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि दोस्तों विंडोज XP या फिर विंडोज सर्वर 2003 जैसे पुराने वर्षन के ऊपर अगर आपके कंप्यूटर जो है वो चल रहे हैं तो आपके मशीन जो है इस वायरस के जपेट में आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल है या फिर आपको ऐसा करना ही चाहिए कि आपको जो है ऑलवेज लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज के ऊपर में रहना चाहिए, जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 8.1 या फिर विंडोज 10 जो कि सबसे लेटेस्ट है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पुराने वर्जन के लिए माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको कोई भी सिक्योरिटी पैच का सपोर्ट नहीं देता है और अगर आप लेटेस्ट वर्जन के ऊपर में होते हो तो आपको जो है पूरी तरह की सपोर्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे विंडोज XP के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 2014 के आसपास ही सपोर्ट देना बंद कर दिया था, लेकिन इस वायरस को आउटब्रेक होने के 2 महीने पहले करीब माइक्रोसॉफ्ट ने इस XP के लिए एक सिक्योरिटी पैच को निकाल दिया था जिसको अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपका मशीन जो है वो बिल्कुल सेफ हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अभी तक इस अपडेट को अपने कंप्यूटर के अंदर में इस्तेमाल नहीं किया है और इसीलिए ऐसे ही कंप्यूटर्स को जो है इस वायरस अपना शिकार बना रहा है। दोस्तों यहाँ पे और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग के देश के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो वर्शन आता है, जो लेटेस्ट वर्शन आता है वो बहुत ही कॉस्टली रहता है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादातर जो है पायरेटेड कॉपीज विंडोज का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर आप विंडोज के पायरेटेड कॉपीज को इस्तेमाल करते हो आपके मशीन के अंदर तब भी आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई भी जो है सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिलता है, तो ऐसे में आपका मशीन जो है वो ऐसे अटैक्स के लिए वल्नरेबल हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर जो है कोई भी वैल्यूएबल डेटा है तो आप जो है उसे आपको क्या करना चाहिए, आपको उसे एक सेपरेट हार्ड डिस्क में या फिर एक्सटर्नल ड्राइव्स में जो है आप उसे एज ए बैकअप जो है उसे सेव कर सकते हैं, या फिर जो है आप कोई भी क्लाउड बेस्ड सब्सक्रिप्शन लेके ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज जो होते हैं वहां पे आपके बैकअप फाइल्स को जो है रख सकते हैं। तो ऐसे में क्या सुविधा आपको मिलता है कि अगर आपके कंप्यूटर्स को ऐसे साइबर अटैक्स की जपेट में आ भी जाते हो या फिर आपके कंप्यूटर को जो है हैक कर लिया जाता है तो आपको जो है आपके फाइल्स के लिए उतना चिंता करना नहीं पड़ता है, आप इजीली जो है वहां से आपके फाइल्स को रिकवर कर सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों और एक बात है कि अगर दोस्तों आप इंटरनेट के ऊपर जो है बहुत इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को जो है इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे आपको दोस्तों कोमोडो, सिमेंटेक,
कैस्परस्काई, क्विक हिल जैसे एंटीवायरस कंपनीज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छे हैं और ऐसे जो है आप इस अटैक से जो है आप बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये मैंने जो सब चीज बताया आप लोगों को ये सारे जो है पेड सोल्यूशन से क्या होगा, अगर आप जो है इसके ऊपर कोई भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो और फिर भी आपका कंप्यूटर चाहे वो लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो आप उसे सिक्योर रखना चाहते हो, तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये कर सकते हो कि आप जो है विंडोज को इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, आप आपके कंप्यूटर के अंदर में लिनक्स यूज कर सकते हो क्योंकि लिनक्स जो है वो आपको ऑलमोस्ट फ्री में बिल्कुल फ्री में मिल जाता है और यहाँ पे लिनक्स के अंदर में वायरस अटैक होना जो है वो बहुत ही नामुमकिन बात है। और दोस्तों और एक चीज जो है आप कर सकते हो वो ये है कि यहाँ पे अगर आपके ऐसे वायरस जो है वो ज्यादातर जो है ईमेल्स के जरिए ही स्प्रेड किया जाता है, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी ईमेल्स आते हैं और उसके अंदर जो है आपको कोई लिंक्स दिया जाता है लेकिन आपको पता नहीं है कि ईमेल जो है वो किसने भेजा है या फिर आप जो है उसे पहचानते नहीं हो, लिंक के बारे में भी आपको उतना कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ऐसे लिंक्स के ऊपर जो है बिल्कुल भी मत क्लिक कीजिए क्योंकि ऐसे ही आपके कंप्यूटर के अंदर में जो है वायरस को डाल दिया जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों मान लीजिए कि फाइल किसी भी तरह से आपको जो है आपका कंप्यूटर के अंदर में डाउनलोड हो गया है लेकिन फिर भी जो है आप उसे रन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको विंडोज के ऊपर यूजर अकाउंट कंट्रोल बोल के एक डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिलता है जहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना पड़ता है कि ये फाइल कहाँ से आया है, कोई ट्रस्टेड सोर्स से आया है या फिर नहीं, या फिर जो है आप उस फाइल को आपके कंप्यूटर के अंदर में इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके फाइल के सेंडर के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, फाइल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो ऐसे फाइल्स को जो है आपके कंप्यूटर के अंदर में इंस्टॉल मत कीजिए, ऐसे फाइल्स को जो है सिंपली यहाँ पे यूजर अकाउंट कंट्रोल पे नो के ऊपर में क्लिक कर दीजिए, ऐसे ही जो है कुछ हद तक आप इस ऐसे वायरस से जो है बच सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे स्टेलर फोनिक्स बोल के एक कंपनी है जिनका एक फ्री सॉफ्टवेयर है स्टेलर फोनिक्स विंडोज डेटा रिकवरी फ्री एडिशन जो कि आप उनके वेबसाइट के ऊपर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और कंपनी के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपको साइबर वर्नाक्राई रैंसमवेयर साइबर अटैक से जो है बचा सकता है। दोस्तों यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को जो है आपको एक अनइंफेक्टेड कंप्यूटर के ऊपर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपका जो इफेक्टेड हार्ड ड्राइव है उसे एज एक्सटर्नल मीडिया उस कंप्यूटर के ऊपर कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आप स्कैन करके आपके डेटा को रिकवर कर सकते हो। और ये कंपनी जो है फिलहाल 5 इंडियन केसेस के ऊपर में काम कर रहा है और यहाँ पे कंपनी जो है बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है अपना सॉफ्टवेयर के लिए, और यहाँ पे उनके मुताबिक ये सॉफ्टवेयर जो है वो पूरी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, यहाँ पे आपको 100% सेटिस्फेक्शन जो है मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर अफेक्टेड हो गया है, जो सारे टिप्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है वो अभी तक आप लोगों को पता नहीं था, वो जो है आप फ्यूचर में फॉलो करने वाले हो, लेकिन इस बीच में क्या आपको जो है रैंसम देना चाहिए, अगर आपका कोई वैल्यूएबल डाटा जो है उनके पास रह जाता है तो आपको क्या रैंसम देना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ या फिर मेरे ख्याल से जो है आपको कभी भी रैंसम मनी पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रैंसम मनी देते हो तो यहाँ पे जो साइबर क्रिमिनल्स है या फिर जो हैकर्स है उन लोगों की हिम्मत जो है और भी बढ़ जाती है और वो फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रिपरेशन से आके हम लोग कंप्यूटर्स को जो है हैक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली मेरा जो टिप्स है मैं वो और दोबारा जो है कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है आप कोई भी पायरेटेड कॉपी ऑफ विंडोज को इस्तेमाल मत कीजिए, यहाँ पे जो है आप इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंटरनेट सिक्योरिटी बंडल्स जो आते हैं उसे यूज कीजिए, फिर जो है कोई भी मैलिशियस लिंक या फिर ईमेल्स के अंदर जब भी कोई अननोन सेंडर से कोई भी लिंक आता है तो उसके ऊपर जो है क्लिक मत कीजिए, कोई भी अननोन फाइल्स कंप्यूटर के ऊपर में इंस्टॉल मत कीजिए। और यहाँ पे और एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे हम लोगों ने देखा है मेल्स के ऊपर ईमेल्स के अकाउंट के अंदर में ऐसे बहुत सारे मेल्स आते हैं कि आपको आईफोन 7 मिल गया, आपको डेल का लैपटॉप मिल गया, आपको हुंडई की कार मिल गई, ये सब जो आता है ना आपको यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ पोटेंशियल विनर, तो ऐसे चीज के ऊपर जो है बिल्कुल भी मत क्लिक कीजिए क्योंकि इसी के अंदर जो है आपको स्पैम लिंक इसके अंदर जो है स्पैम लिंक कहते हैं वो आता है, आपको ऐसे ही जो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर में इंस्टॉल हो जाता है क्लिक करने के बाद और आपको पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर सकते हैं,
और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।